हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं वन्ना, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कच्चे आम की दो तरह की चटनियाँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, स्पाइसी हैं और एकदम मज़ेदार है। तो आइए शुरू करते हैं इन्हें बनाते कैसे हैं। जो पहली चटनी है उसके लिए हमें चाहिए कच्चे आम। मैंने आम को धो के उनका बाहर का छिलका निकाल के और अंदर से गुठली निकाल के इसे छोटे छोटे पीस में काट लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और हमें चाहिए धनिया, 3 हरी मिर्च, 1 प्याज मीडियम साइज का। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 1 कटोरी पुदीने की पत्तियां ली हैं और नमक। अब हम ग्राइंडर जार लेके उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो सब डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे बारीक, इस तरह से। अब इसमें डाल दूंगी मैं कच्चे आम, धनिया और मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में आम बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो आप इस तरह से एक बार ये चटनी बनाने की ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे बनाने के बाद आप 3-4 दिन इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। इसमें पानी थोड़ा सा ही डालेंगे, हमें बहुत वाटरी नहीं करनी है, थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी आई है और एकदम ग्रीन कलर आया है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर बनाएं। दूसरी चटनी भी बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे आम। मैंने इन्हें भी धोकर इनका बाहर का छिलका निकाल कर और गुठली निकाल कर जो बाकी हिस्सा है उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 1 मीडियम प्याज और 2 लाल मिर्च ली है, 2 हरी मिर्च ली है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप और मिर्च डाल सकते हैं। अब मैं इन सबको ग्राइंड कर लूँगी एक साथ। इस चटनी में जो लाल रंग आया है वो प्याज के कलर की वजह से आया है, मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया है। इस तरह से आप मिर्च के भी बड़े बड़े पीस काट लीजिए, बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्राइंड हो जाते हैं। अब इसमें हम काला नमक डाल देंगे। आपके पास काला नहीं है तो आप सादा नमक भी डाल सकते हैं, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अब इस चटनी में हमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही इसे ग्राइंड करना है। देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, कितना बढ़िया से इसका टेक्सचर आया है, कलर आया है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, आप ज़रूर ट्राई करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा मुस्कुराते रहें।